हमने 6 जगह कंप्लेन करी है और एक जगह एफआईआर लॉज हुई है। ऐसा करने पर हमारे समर्थक, हम, विपक्ष क्यों मजबूर हो रहा है? आज सवाल यह है, आज सवाल यह है कि एक पूर्व सूचना और प्रसारण मंत्री, नो लेस देन इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो रही है। और चार्ज क्या है? फेक न्यूज फैलाने के लिए, जिसका अंदेशा है धार्मिक उन्माद बढ़ाना। और जैसा कि पवन जी ने कहा, मैं फिर से रिपीट करके उनको और गौरवान्वित नहीं करूंगी जिन बाकी लोगों के खिलाफ हुई है, लेकिन एक व्यक्ति जो इस देश का मंत्री रह चुका है, जो चुना हुआ सांसद है, उनके साथ चुने हुए 2 सांसद, विधायक, ऐसे तमामों लोग क्यों ये फेक न्यूज फैला रहे हैं, क्यों ये फर्जीवाड़ा कर रहे हैं, क्यों वो नफरत की इस आग को भड़का रहे हैं देश में? आज सवाल ये है, और सवाल मोदी जी से डायरेक्ट है कि आपने इन लोगों को, चुने हुए सांसदों को, पूर्व मंत्रियों को, विधायकों को 2 रुपए का ट्रोल बनाकर क्यों छोड़ दिया है? एक सत्य यह है कि उनके पास कुछ काम करने को नहीं है, होता सब पीएमओ से है तो बेचारे खाली बैठकर क्या करें। दूसरा सत्य यह भी है कि जितनी नफरत आप भड़काइएगा, जितना झूठ आप फैलाइएगा, जितनी गंद आप करिएगा, उतनी ज्यादा आपका प्रमोशन भारतीय जनता पार्टी में होगा। एक आईएनबी मिनिस्टर वो थे जिनके खिलाफ आज एफआईआर हुई है, और एक आईएनबी मिनिस्टर हमारे अभी प्रेजेंट हैं, जिन्होंने जो बात दिल्ली दंगों के दौरान कही थी, हंसकर कही थी, उनकी पदोन्नति हो जाती है।